रहमी अल्लाम हेलो लर्नर्स आज हम लेक्चर नंबर नौ कंजूमर बैंकिंग का शुरू कर रहे हैं एंड बिफोर डू डूंगट लेट्स एवर री कैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर एट लेक्चर नंबर आठ में हमने आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस कहीं वो बेसिकली एंटा मनी लॉन्ड्रिंग और ऑडिट एंड कम्प्लाइंस फंक्शन था जैसे कि इससे पहले लेक्चर में हम इन एरियाज़ को हाई लाइट कर रहे थे जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कंज्यूमर बैंकिंग में एप्लीकेबल हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हमने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की उसमें पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन थी कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या इट्स ए सॉर्ट ऑफ प्रोसेस थ्रू विच इनकम और एसेट्स डिराइव थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर मेड टू अप्यर क्लीन इस्पेली थ्रू द बैंकिंग चैनल्स वो जो आ, इनकम हैं या जो एसेट्स हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिवटीज़ से के जरिए हासिल किए गए हैं उनको लिजिटमेट बनाना और उसमें जाहिर है बैंकिंग सेक्टर जो है कंड के तौर पर एक्ट करता है तो अब ज़रूरत इस बात की है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वह तो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रपेयर करे कि वो एलिमेंट्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वाल्व हैं जाहिर है कि वह क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं और इसके साथ साथ अब मौजूदा हालात में टेररिस्ट भी शामिल हो गए हैं जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक तरह से एरिया में आ जाती हैं तो ये देखा गया है कि इस चीज़ को ना सिर्फ गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और सारे जो जिम्मेदार अनासर हैं सोसाइटी के सारे मुल्कों में वो इस चीज़ का बहुत सीरियस uh, नोटिस ले रहे हैं और जाहिर वो मेजर्स लिए जा रहे हैं और कोऑर्डिनेशन के तकाजों को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ऑल कंट्रीज टुगेदर कलेक्टिवली शुड फाइट दिस मैनस विच एट द एंड ऑफ द डे इज़ बाउंड टू फैक्ट द बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एंटाई मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डीनेंस टू थाउजेंड सेवन जारी किया जिसमें सेक्शन थ्री में मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया आपके साथ हमने शेयर किया जो कि है एक्जिशन कन्वर्जन ट्रांसफ़र और पोजेशन ऑफ एसेट्स और मनी ड्राइव थ्रू क्रिमिनल एक्टिवटीज़ और इसमें बैंक या कोई अदारा या कोई फ़र्द अगर किसी वाले से इवन अनोइंगली इन्वॉल्व होता है या ही और शी हैज़ और दर्गनाइजेशन हैज़ रीजनस टू बिलीव तो मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट शामिल है तो वो ज़ाहिर है इस ऑर्डीनेंस के तहत पनिशेबल है फिर सेक्शन फोर में पनिशमेंट को डिस्क्राइब किया गया कि क्या होगी जिसमें रिग्रेस एम्प्रेजमेंट है और उसके साथ साथ फाइन भी है फिर हमने आपको वो कुछ मेजर्स बताए जो आप बैंकों के ऊपर एक तरह से लाजिम हो गए हैं एंड और बैंक आर सपोज टू अंडरटेक दोज मेजर्स इन दियर वर्किंग टू एनफोर्स द एन्टाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिस ये अहम थे मुख्तलफ़ स्टैंडर्ड्स थे जो हमने आपको बताए जिसमें रिस्कैसमेंट का है कस्टमर की आइडेंटिफिकेसन है उसकी वेरीफिकेसन है उसमें ट्रांजेक्शन फिल्टरिंग की हमने बात की फिर जो अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मोनिट करने की बात की फिर ख़ास तौर पर स्टाफ की ट्रेनिंग के वाले से बात की गई कि इसमें स्टाफ को ट्रेन करना और मेक मेक दैम अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एरिया और उसके साथ साथ जो हमने आपको बताया कि जो पैप का कॉन्सेप्ट है पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन उसको भी हमने इसमें डिस्कस किया और मुख्तलिफ मेजर्स जो बैंकों में लिए जाते हैं और जाहिर है ये एक मॉडल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर uh, आपको पेश किया गया आपके सामने जो ही नहीं कि ये आइडियली सब बैंकों में ऐसा ही हो इट कुड वेरी बट द स्परिट्स इज द सेम उसके बाद जो हमने आपके साथ एरिया डिस्कस किया रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का वो ऑडिट एंड कंप्लाइंस का था जिसमें स्टेट बैंक ने स्पेसिफिकली प्रोडक्शन रेगोलेशन जारी किए हैं जिसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यह जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपरली एक पॉलिसी डिज़ाइन uh, करे उसको डिफाइन करे उसको इंप्लीमेंट करवाए जिसमें ये चीज़ें क्लियरली मेंशन हो कि कंट्रोल फंक्शंस क्या हैं मॉनिटरिंग कैसी हो रही होगी जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और जो दूसरे मेजर्स लिए गए हैं वो किस हद तक अफेक्टिव हैं फिर उसी में हमने आपको बताया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और मैनेजमेंट की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सबिलिटीज़ हैं उनको किस तरह इसको परफॉर्म करना चाहिए और उसमें ख़ास तौर पर कि बोर्ड जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी में सिर्फ यह है कि वो पॉलिसी सेट करें उसको फिर मॉनिटर करें जबकि मैनेजमेंट का काम है डे टू डे ऑर्गनाइजेशन को डे टू डे ऑपरेशन को, को रन रन करना और इसमें किसी किस्म की ओवरलैपिंग या एम्बिगटी नहीं होनी चाहिए यह बहुत ज़रूरी है और उसमें बाद में हमने आपको बताया कि जो आ, कम्प्लाइंस और ऑडिट का फंक्शन है उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली बोर्ड को होती है दे आर इंडिपेंडेंट अंडर दोड ऑफ डायरेक्टर्स नॉट द मैनेजमेंट और जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है और जो डिपार्टमेंट में लोग होते हैं उसको जो डिपार्टमेंट हैड होता है वो उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं कि उसने मोनिटर करना है उसने एग्जामिन करना है और ख़ास तौर पर जब रेगुलेटरी बॉडी जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है जब एग्ज़मिनेशन या इंस्पेक्शन के लिए आते हैं उनके साथ कॉर्डिनेट करें और साथ साथ ऑनगोइंग बेसिस पे रिपोर्टिंग करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और रेगुलेटरी बॉडीज़ को और इसमें जो पीरियाडिक रिटर्न्स शामिल हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं मुख्तलिफ रेगुलेटरी बॉडीज़ को भेजना उसको इंश्योर करे और कहीं ख़ुदा न खास्तः उसको कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा शुबा होता है तो उसको फ़ौर शुड ब्रिंक टू दोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट ये एक एरियाज थे जो हमने आपके साथ

के बैंक का रेगुलेटरी uh, वायोलेशन के हवाले से बल्कि इसमें रेपुटेशनल रिस्क भी इन्वॉल्व होता है जो हमने आपसे डिस्कस किया क्योंकि रेपूटेशनल रिस्क इज एन इंटेंजिबल एसेट्स इसका डैमेज होना ना सिर्फ बैंक के लिए रेगुलेटर्स के हवाले से अच्छा नहीं है बल्कि पब्लिक के हवाले से भी जो उनके कस्टमर्स हैं दे कॉन फ्रेंकली हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग अ ट्रस्ट इन दैपबिलिटीज ऑफ द बैंक

I uh, will take uh, sort of information from this report and share with you. To start this review of this report, let's have a brief overview in a historical prospect of the evolution of consumer banking in Pakistan. Initially, as all of you are aware, consumer banking is a वेरी डायनेमिक सेगमेंट ऑफ द इकॉनमीज ऑफ मेच्योर कंट्रीज इन यूरोप अमेरिका इन जपैन और वहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को जो एक अहमियत हासिल है वो उनकी इकॉनमी का एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट उसका लिंकेज है जो फाइनेशल क्राइसिस मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं अगर आप इसको अनालज़ करें तो उसकी औरिजन भी कंज्यूमर बैंकिंग मार्किट से हुई थी जो कि सब प्राइम मॉर्गेज में uh, क्राइसिस शुरू हुआ था जिसने ग्रेजुअली uh, दूसरे बैंकों को लपेट में लिया और अल्टीमेटली सारी बैंकिंग इंडस्ट्री और पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री इसकी लपेट में आ गई तो इसकी एम्फोसिस और इसकी प्रेजेंट डे इम्पोर्टेंस जाहिर है इग्नोर नहीं की जा सकती पाकिस्तान में ये जो कंज्यूमर बैंकिंग है इट टुक समाइम टू रियली केम इन टू बीग इन यू एस इन अदर कंट्रीज एक्चुअली अर्ली एटीज़ में कंज्यूमर बैंकिंग जब डी रेगोलेशन हुआ था तो इसने एक तरह से स्टार्ट लिया था और फिर वक्त के साथ साथ इस में एक्सपेंशन और डवेलपमेंट होती चली गई पाकिस्तान में मिड नाइन्टीज़ में दो फॉरन बैंकस ने इनिशेटिव लिया एधे स्टार्टेड क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड की बिजनेस से उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान में कंज्यूमर बैंकिंग प्रोडक्ट्स के इंट्रोडक्शन की वो पैन ईयर्स थे उसके बाद जैसे आपके इल्म में है कि अर्ली नाइन्टीज़ में पाकिस्तानी प्राइवेट बैंक्स भी नए जिनको लाइसेंस मिले वो भी एक तरह से कॉम्पटेटिव फील्ड में आ गए लेकिन उस वक्त की जो सिचुएशन थी अर्ली नाइन्टीज़ की वॉज डोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विस इन टर्म्स ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिटबिलिटी फॉरन बैंक्स वर डोमिनेटिंग क्योंकि जो पांच बड़े नेशनलाइज बैंक्स थे जो कि बाद में डी नेशनलाइज हुए प्राइवेटाइज हुए वो अनफॉर्चुनेटली बहुत एफिशिएंसीज का शिकार थे उनके बहुत प्रॉब्लम्स थी ऑपरेशनल वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे हालांकि जियोग्राफिकली एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दे देवर हैविंग द लार्जेस्ट सॉर्ट ऑफ मार्केट शेयर एज कंपेयर टू फॉरन बैंक्स लेकिन उस जमाने की स्टैट्स को अगर एनालइज़ uh, किया जाए तो जो फॉरन बैंक्स थे देवर वे हैड इन द प्रोफिटबलिटी इंस्पाइट ऑफ ओनली ऑपरेटिंग इन द मेजर सिटीज़ इस बैकड्रॉप में जब नए बैंक्स आए और साथ साथ ये जो नेशनलाइज बैंक्स थे ये प्राइवेटाइज होना शुरू हुए तो फिर कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ और नए प्राइवेट बैंकों ने और जो न्यूली प्राइवेटाइज बैंकों ने भी खासा एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट में और जाहिर है उन्होंने आिस्ता आ फॉरन बैंकस को टफ़ टाइम देना शुरू किया देखिए मैं विद लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देर डिवेल्प देयर इन्फ्रास्ट्रक्चर देयर सिस्टम देयर आई टी इन ऑर्डर टू अनेबल दैम टू डिज़ाइन डिवेलप डिस्ट्रीब्यूट डिलेवर एंड अल्टीमेटली सर्विस द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो ये वक्त आहिस्ता आहस्ता अर्ली टू थाउजेंड में आए हम लोग जब हमने देखा कि इसने एक तरह से बहुत तेज़ी से इसके अंदर एक्सपेंशन आई अर्ली 2000 से लेकर 2005 का अगर आप एरिया देखें इस वक्त देखें तो ये वो वक्त था जो कंज्यूमर बैंकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और इसकी वजह से ये देखा गया है कि पाकिस्तान में जो कंज्यूमर बैंकिंग किसी हद तक इंट्रोड्यूस हुई और काफ़ी लोग इससे फेमिलर हुए और जो पहले बैंकों का जो तस्वर था या आम आदमी का तस्वर था कि ये बैंक्स जो हैं सिर्फ कमर्शल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं या बड़े बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हैं वो ज़्यादा तसर ख़त्म हुआ हर एक आम इंडिविजुअल को भी मौका मिला कि वो बैंकिंग की जो बेनिफिट्स हैं उससे फ़ायदा उठाया जाए अगर इस एनालिसिस को आगे बढ़ाया जाए और ये देखा जाए कि वाट वर द रीज़न इनफैक्ट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन इन दी ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग वन कैन से देर आर थ्री रीजनस टू स्टार्ट विद जैसे ये मैंने सारे वक्त का जिक्र किया इसमें बैंकिंग सेक्टर ग्रेजुअली प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो चुका था ज़ाहिर जो प्राइवेट सेक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर वो ज़्यादा फ्लैक्सीबल होता है उसकी पॉलिसीज़ उसकी अप्रोच मार्केट बेस्ड होती है तो इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट ने भी केनाव बैंकिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बैंकिंग प्लेयर्स वर हैविंग ओनरशिप और पीपल एट दल्मास फ्राम द प्राइवेट सेक्टर इसने जाहिर है कंज्यूमर बैंकिंग की एक्सपेंशन में हेल्प की दूसरा जो रीज़न था वो पोस्ट टू थाउजेंड जो इवेंट्स थे उसमें लिक्वडिटी बहुत जनरेट हुई इन दानी ऑफ पाकिस्तान ये जाहिर है लिक्वडिटी जो थी इसने बैंकों को ज़ाहिर है उनकी पॉलिसीज़ जो थीं रेवनी जनरेशन की और दूसरी इस पर उनको एक तरह से मजबूर किया कि वो अपने एरियाज़ को डाइवर्सीफाई करें और इस लिक्विडिटी का जो इन्फ्लक्स था इसको मैनेज करें अब यहाँ ये यह कहा जा सकता है कि इट वाज अ चांस इवेंट मे बी अ क्वेश्चन में बी आस्ड यू बींग स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एंड बैंकिंग कि इफ़ दैट चांस इवेंट वॉट हैव बिन हैपन तो फिर इस पाकिस्तान में बैंक कंज्यूमर बैंक के खाल क्या होते बहरहाल ये एक इवेंट था जिसने बहुत मेजर रोल प्ले किया इन दी ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर बैंक उसके बाद तीसरा जो आइटम्स था वो यही था कि इस दो जो थे आइटम्स इसके साथ साथ बैंकों को ये मौका मिला कि वो अपने जो लोन पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सीफाई करें इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताना भी ज़रूरी है उस वक्त जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस था उसमें जो एक तरह से जो मार्कअप रेट हम कहते हैं जो चार्ज होते हैं लोन्स पे दैट वर एट हिस्टोकली लो तो एक ये भी अपॉर्चुनिटी मिली ऑर्डनरी कंज्यूमर को इस फैसिलिटीज़ को अवेल करने का अफोर्डेबल हो गई उनके लिए और जाहिर है इससे पहले तक जबकि ये प्रोहिबि रेट्स होते थे और जो एक आम आदमी है एज़ कम्पेयर टू ये बिज़नेस और कॉरपोरेट कस्टमर वो उसके लिए रीच से बाहर हो जाता था उसकी जो इनकम के लेवल्स थे और सर्विसिंग करने के लिए तो ये एक जो लोअर रेट्स ने भी इस में कंट्रीब्यूट किया तो अल्टीमेटली ये जो एसेट्स की जो आप कह लें कि कंज्यूमर बैंकिंग के एसेट्स की क्लास थी इसकी ग्रोथ हुई तो इसमें आप जब देखेंगे इन तीन रीज़न के साथ साथ कंज्यूमर बैंकिंग ने ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूट किया जब लोगों को कंज्यूमर बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक तरह से इस्तेमाल के साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग इंप्रूव होना शुरू हुआ और किसी भी मुल्क की पापुलेशन का जब स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग हो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है लोग जो होते हैं जब वो उनका ज़ाहिर है आप कह लें कि जो ज़िंदगी के वो उनको मिलते हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता है और एक्नॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफ़ा होता है लोगों के साथ साथ जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट ने एकमी को हेल्प किया ज़ाहिर इसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ी कि वो सेक्टर्स जो के कंट्रीब्यूट करते थे टू हैव द कंज्यूमर्स द प्रोडक्ट्स लाइक मिसाल है ऑटो लोन्स की जिसमें गाड़ियों का है तो गाड़ियों की इंडस्ट्री में बड़ा एक तरह से बूम आया उनकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ी उनके ज़ाहिर है इसके साथ साथ हाउसिंग इंडस्ट्री जब हाउसिंग लोन की हम बात करते हैं आप सब जानते हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जिसके साथ बहुत सारी एनस इंडस्ट्रीज अटैच हैं और किसी भी मुल्क की हाउसिंग इंडस्ट्री का डायनामिक होना उनका ग्रोथ पाथ पे होना एक इंडिकेशन करता है कि वो मुल्क उसकी इकानमी कितनी वाइब्रेंट है तो इन सारी एक्टिवटीज़ ने ज़ाहिर है इस चीज़ को मदद दी और देखा गया कि कंज्यूमर बैंकिंग का जो एक तरह से असर था वो आम जिंदगी आम आदमी की ज़िंदगी पर भी पड़ रहा था तो ये कुछ चीज़ें थीं जिसने कंज्यूमर बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूमर फाइनेंसिंग के कॉस्ट कॉन्टेक्स्ट में एक जनरल पब्लिक को इसका फ़ायदा पहुंचाया। अब हम आप देखते हैं कि इसमें जो ट्रेंड था शुरू में और जो कुछ चार्ट्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे जो ये कि ये इंडिकेट करेंगे कि किस तरह ओवर दैट पीरियड ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या था कंज्यूमर बैंकिंग का एज़ कंपेयर टू आप जिसे कहते हैं कि द टोटल क्रेडिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ये ओवर ए पीरियड देर वाज़ ए ग्रेजुअल इंक्रीज अप टू ईयर टू और उसके बाद आप देखेंगे एकदम से डिप आया टू में वो ज़ाहिर है जो हालात थे जो सर्कमस्टेंसेस स्टांसिस थे जिस को हम बाद में आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये डिप क्यों आया लेकिन एक इस चार्ट से इंडिकेशन होती है कि देर वॉज ए वेरी स्टीप राइस इन द कंज्यूमर बैंकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज पैरामीटर्स विच आर यूजली टेकन टू कंसीडरेशन फॉर सॉर्ट ऑफ मेजरिंग ग्रोथ ऑफ़ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ ए बैंक द नेक्स्ट चार्ट ऑल्सो शो द रिलेशन ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग टू जी डी पी जैसे आपके सामने है ये एक तरह से अप टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द जी डी पी ये बढ़ा लेकिन फिर टेपर ऑफ होना शुरू हुआ अगेन इस चार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो एक तरह से इसने पीक किया था उसके बाद इसकी जो है इसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हुआ हमने पिछले दो स्लाइड्स में आपको कंज्यूमर बैंकिंग इन जर्नल जो फिगर्स दिखाई उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इस गिवन पीरियड में कंज्यूमर बैंकिंग की ग्रोथ पैटर्न क्या था और एज़ कंपेयर टू जीडीपी एंड एट द सेम टाइम एज़ कम्पेयर टू द टोटल क्रेडिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम अब जो आपके सामने ये फिगर है इसमें जो इस्पेसिफिकली जो मुख्तलफ़ प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर बैंकिंग के जिसमें पर्सनल लोन है ऑटो लोन है मॉर्गज़ और क्रेडिट कार्ड इसकी पैटर्न आपको दिखाया गया है स्टार्टिंग फ्राम ईयर टू थाउजेंड फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट जैसे आप देख रहे हैं कि अप टू सेवन ये ग्रोथ बहुत स्टडी थी और वो उस चीज़ को मजीद री कर रही थी हमने पिछले चार्ट में देखा कि ओवरऑल इस सेक्टर की ग्रोथ क्या थी सेगमेंट की लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे कि सेवन और एट में जो ये जो बार्स हैं ऑलमोस्ट बराबर हैं इसका मतलब वही जो कहा जा रहा है कि ग्रोथ इन अवे स्टॉल हो गई है ग्रोथ में एक तरह से रुकावट आ गई है ये वो एरियाज़ हैं जिसको हम आगे चैलेंजेस के अंदर डिस्कस करेंगे और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री को क्या लाहे अमल तैयार करना चाहिए यहाँ जब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ डवेलमेंट एंड इनक्रीज इन दूसेज ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ एक ख़ास चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी है जो कि क्रेडिट कार्ड का यूसेज है ये देखा गया है और ये नॉन कैसेज हैं कि क्रेडिट कार्ड की यूसेज में बहुत लोगों ने इसको एब्यूज़ किया है एब्यूज से मुरात क्या है कि एक तो बैंकों ने एग्रेसिवली मार्केटिंग की कार्ड्स की बावजूद ये कि जानते हुए कि एक पर्टिकुलर कस्टमर के पास एक कार्ड है दूसरे बैंकों ने कोशिश की तो अपना कार्ड इसको सेल करें अच्छा इसमें होता यह था कि इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ईजी क्रेडिट कि हाँ भाई आप क्रेडिट कार्ड ले लें आपकी जेब में पैसा नहीं है आप खर्चा करेंगे महीने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इट इज़ टू दैट एक्सटेंड में बी ईजी बट एट एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे इट और जो सबसे अहम चीज़ इसके अंदर इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एक आम कंज्यूमर को जिसकी हम शुरू से कहते आए हाँ हैं कि नॉलेज लेवल ज़्यादा नहीं है उसकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है कंज्यूमर के हवाले से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हवाले से उसको इन चार्जेस की इम्प्लीकेशनस का अंदाज़ा नहीं होता और जब अल्टीमेटली चार्जेस लगते हैं तो अमाउंट जो है वो स्वेल कर जाता है बहुत बढ़ जाता है और वह सरप्राइज़ मिलते हैं लोगों को तो उसका फिर जब इस पोजीशन में नहीं होते कि वो अमाउंट पे कर सकें तो वो फिर जो जिसे कहते हैं कि शॉर्टकट्स पे आते हैं वो जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड पेमेंट करके डफ़र कर देते हैं तो ये फिर रोल ओवर होना शुरू हो जाता है तो इसका आप कह लें कि डायनेमो अफेक्ट होता है और ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स ने अपने कार्ड्स को इस तरह इस्तेमाल किया और उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि दे एक्चुअली वेंट इन डीप फाइनेशल ट्रबल वो अल्टीमेटली उनकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी थी उसके बहुत बियॉन्ड उन्होंने ये ख़र्चे किए और उसका फिर ये है कि बैंकों ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और फिर बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पब्लिक की नोटिस में आए और इस चीज़ को देखा गया कि भाई ये एक सोशल लेवल ले 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 पे एक सोसाइटी लेवल ले 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 पे ये चीज़ जो है इसके इम्पैक्ट्स आने शुरू हुए तो इसकी अहमियत इस हवाले से बहुत अहम है कि कंज़्यूमर्स को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त ये ज़ेहन में होना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली आपने पेमेंट भी करनी है बैंक को पैसा वापस भी करना है और इसके ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं वो आम हालात आम कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं तो जब इस चीज़ों को वो मद्दनज़र रखेगा एक पर्टिकुलर कंज्यूमर तो फिर वह मतदात तरीके से अपनी स्पेंडिंग करेगा ऑल दो ये भी एक बात है इसमें आप कह रहे हैं पैराडोक्सिकल इशू है अब बैंक वुड गिव यू द इंसेंटिव और स्पेंडिंग मोर ऑन योर कार्ड्स उसके लिए फिर बहुत रिवार्ड स्कीम्स हैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग करते हैं और आपके कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा शुरू होना शुरू होते हैं तो उससे आपको फिर एक बेनिफिट मिलता है तो लेकिन ये देखना है कि क्या आप रिवॉर्ड पॉइंट्स के लालच में कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे आपको अपनी जिसे कहते हैं ना जो मुहावरा है कि चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए यू हैव टू सी योर पॉकेट्स जहाँ ये क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी या आसान आप कह लें कि फैसिलिटी है आपको कैरी कैश ना करने की बट इट डज नॉट एब्जॉल्व यू ऑफ नॉट फुलफिलिंग योर ऑब्लिगेशन एज ए बॉवर ऑफ़ द बैंक तो ये थोड़ा सा जो एक नोट ऑफ कॉशन है फॉर दोज पीपल हु थिंक कि क्रेडिट कार्ड जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इसके पिटफॉल्स भी हैं अब एक जो नेक्स्ट आपका स्लाइड है उसमें देर इज़ अ फूड फॉर थाट जब हम फाइनेंस की बात करते हैं आज कल ये डिबेट बहुत हीटेड डिबेट चल रही है ख़ास तौर पर यू एस ए में कि क्या फाइनेंस और उसके साथ साथ बैंकिंग इंडस्ट्री एज एन फॉर एन ऑर्डनरी इंडिविजुअल कंज्यूमर नेसेसरी है तो एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है ये जो आपके सामने है कि इज़ मॉडर्न फाइनेंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी और ए जंक फूड ये जो एकेडमिक्स हैं ये सिर्फ एजुकेशन की हद तक महदूद नहीं है बल्कि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हाईली रिगार्डेड इन द एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड एज वेल तो इनकी जो राय है उसको बड़ा वेटेज है अब जैसे अब आप देख रहे हैं कि ये सवाल जो है कि इज़ इट मॉडर्न फाइनान्स इज़ लाइक ए इलेक्ट्रिसिटी और ए जंक फूड वो तो कहते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो भाई इट्स ए पार्ट ऑफ द लाइफ इस नेसेसिटी और इसके बग़ैर ज़ाहिर है मौजूदा दौर में इलेक्ट्रिसिटी हम सब जानते हैं कि इसका गुजारा नहीं हो सकता हमने जाहिर है जब इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हमें इसकी डिसरप्शन का भी ख़्याल होगा हमें यह भी होगा कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की जो सहूलत हमें मुहैया ना हो तो हमारी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आ सकती हैं इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है एक तो ये है उसके साथ साथ वो लोग जो कि क्रिटिक हैं इसके जो मैंने आपसे कहा और वो समझते हैं कि मौजूदा जो फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है जो सिस्टम है बहुत फ्लॉड है वो कहते हैं कि इट्स लाइक ए जंक फूड अब जंक फूड की हम सब जानते हैं कि इसका जो इसके खराबियाँ क्या हैं इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ और इट्स ए हैबिट वीच यू कै नॉट केक आप इसको आसानी से छोड़ नहीं सकते तो अब ये जो एक आस्पेक्ट है इस चीज़ का ये बहुत इसका जो लॉबी है वो इस पर बहुत एक्टिव है और वो उनका ख्याल है कि अभी भी अगर ये रिकवरी शुरू हुई तो उसमें ये ना हो कि इस फाइनेंशियल सेक्टर के जो फ्रॉड हैं वो छुपके रह जाए उनका ख़्याल है कि टिल एक्चुअली एक्चुअल रिकवरी स्टार्ट दिस फंडामेंटल फ्लॉज इन देंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर शुड बी लुकड इन टू वो एक, जो ख़ास तौर पर आ, एम्फेसाइज करते हैं जो एविडेंस देते हैं कि इस वक्त अमेरिकन इकॉनमी जो जीडीपी है उसका कॉन्स्टिट्यूट करती है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर टू दी एक्सटेंट ऑफ सेवन टू एट परसेंट उनका ख्याल है कि यह बहुत हाई परसेंटेज है अगर इवन टू एक्सटेंट ऑफ थ्री टू फोर परसेंट भी ईशोर हो तो उनके ख्याल से इसका कोई मेजर इम्पैक्ट इकॉनमी पे नहीं होगा इसके साथ साथ वो एक और जो आर्गूमेंट देते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो कॉर्पोरेट uh, प्रॉफिट है टोटल उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का जो शेयर है दैट इज़ टू दी एक्सटेंट ऑफ फोर्टी परसेंट ये जो फोर्टी परसेंट की फिगर है बहुत हाई है और उनका जो इसके अंदर सपोर्टिव आर्गूमेंट uh, जो है वो ये कहते हैं बैंकिंग इज ए इंटरमीडियरी इनपुट इंडस्ट्री इफ ए बैंकिंग इनपुट इंटरमीडियरी इंडस्ट्री इज मेकिंग प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ फोर्टी परसेंट इट सेल्फ इंडिकेट अदर सेक्टर्स आर बींग एक्सक्यूज यानी उनका जो पॉइंट है कि यह जो फोर्टी परसेंट अचीव हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ सम अदर सेक्टर्स जो अदर सेक्टर्स हैं वो सफर कर रहे हैं उनके मार्जिन एक्सक्यूज़ हो रहे हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री उनके बिहाफ पर उनको एक तरह से एक्सप्लॉयट करके फ्लरिश कर रही है तो बहरहाल ये एक लॉबी है और जैसे हमने बार बार आपसे कहा कि वी हैव टू डेवलप दी कैपेसिटी टू लिसन टू वेरियस परस्पेक्टिवस वेरियस थाट्स एंड इमेडियटली शुड नॉट गेट बी जजमेंटल कि अच्छा वो लोग सही कह रहे हैं या इसका जो मौजूदा फाइनेंशियल uh, सिस्टम को इसी तरह चलाने के जो प्रोपोनेंट हैं जो उसके फेवर में हैं वो लोग सही कह रहे हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ लर्नर वेरियस एस्पेक्ट्स। वी हैव टू लुक इनटू द डायनेमिक्स और इसमें जो एक्चुअल एजम्पन्स हैं दो एजम्पन्स शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट जस्ट हेयर से और ज़रूरत है कि जब ख़ास तौर जो डिसीजन मेकरज हैं दे शुड नाट गेट

एज़ कम्पेयर टू समयर ग्रोप कंट्रीज़ के जो कंज्यूमर बैंकिंग की ग्रोथ हुई है जैसे आप इस चार्ट में देख रहे होंगे सिंगापुर इसका हाइस्ट है और उनका जो टोटल बैंकिंग के साथ जो कंज्यूमर बैंकिंग का एक तरह से लिंकेज है वो फिफ्टी वन परसेंट है और पाकिस्तान का सिर्फ ट्वेल्व पॉइंट फोर है दूसरी कंट्रीज़ की भी आप ग्रोथ ओवर पीरियड देखेंगे और पाकिस्तान का ज़ाहिर है फिगर आपके सामने है वो सिर्फ तीन या चार साल पहले की है तो ये कंपैरिजन भी इंडिकेट कर रहा है कि स्पाइट ऑफ द ग्रोथ इन द कंज़्यूमर बैंकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान स्टिल दे इज अ लॉन्ग वे टू गो प्योर कंट्रीज़ का कंपैरिजन है आपके सामने मलेशिया की भी मिसाल है आपके सामने इंडोनेशिया की भी मिसाल है कि उसमें ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ हुई है तो जब ये कंट्री जिन वजूहत की बिना पर इसमें ग्रो कर रहे हैं और आ, हम सब जानते हैं ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है कि कंट्री लाइक सिंगापुर लाइक मलेशिया लाइक थाईलैंड दे आर इन अ वे क्वाइट डेवलप्ड एज फार एज अ कॉमन पर्सन इज कस्ट तो ये जो एक तरह से उनकी डेवलपमेंट है या उनकी इकॉनमी की ग्रोथ है या एक आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अच्छा होना है वो लिंक्ड है इससे तो इन एग्ज़ाम्पल्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे तो कम से कम इन एग्ज़ाम्पल्स को हम किसी हद तक अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर इनकॉर्परेट कर सकते हैं इनसे हम लेसन ले सकते हैं इसके बाद एक और कम्पेरिजन है वो है आप देखेंगे कि कंट्री वाइज इसमें फिर वो पेयर ग्रुप है कि जी के साथ इसका जो रेशो है इसमें जाहिर है आप देखेंगे जो हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया भी है इसमें एशिया तो के अलावा भी जो ये पीयर ग्रुप नहीं है बहरहाल इसमें यूएसए का भी जिक्र है इसमें न्यूज़ीलैंड का भी जिक्र है तो इसमें आप ये देखेंगे कि किस हद तक और कितनी ग्रोथ हुई है इन सेक्टर में एज कंपेयर टू तो जीडीपी तो ये जो एक ग्रोथ पैटर्न है कंज्यूमिंग बैंकिंग सेक्टर का विज़ावी द जी एक इंडिकेशन है मौजूदा वक्त और आने वाले वक्त में कि अगर इसके अंदर अगर कोई फ़िलहाल ड्रॉप भी आता है या इसके अंदर डी एक्सेलेशन भी होती है तो ये टम्प्रेरी है और आने वाला वक्त जो चैलेंजेस हैं जो कंज्यूमर बैंकिंग के प्लेयर हैं उनके लिए ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है कि तो वह अपने आप को इस चैलेंजेस चैलेंज़स के लिए किस हद तक तैयार करते हैं आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और कंज्यूमर बैंकिंग के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड कुछ कुछ मिथ्स जो हैं वो ये कि वो क्या है और इसके मतलब जो कुछ चीज़ें आम आदमी के जो जहन में होती हैं कि वो क्या हैं अब मिथ्स और हम जो फैक्ट्स की बात करते हैं कि ये वो सेक्टर है जिसने आम कंज्यूमर को एक तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि वो जो उन लग्जरीज़ या उन आइटम्स के हवाले से जिसमें पहले उसके पास अपरचुनिटीज़ नहीं थी अब वो इस पोजीशन में है कि वो आइटम्स जो उसको ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं वो अफोर्ड कर सकता है और वो उस चीज़ को एक तरह से अवेल कर सकता है इसके साथ साथ जो आपके सामने देखें कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंज्यूमर बैंकिंग की इंट्रोडक्शन से पहले एक आम आदमी इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेता था वो बहुत हाई रेट पे होता था ज़ाहिर है वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं था और जिसको आप जानते हैं कि जो मनी लेंडर्स होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में वो फ्लीस करते थे इस सेगमेंट की पॉपुलरिटी से इसकी अवेलेबलिटी से कॉमन मैन को उस इनफॉर्मल सेक्टर का जो मनी लैंडर था उससे एक तरह से छुटकारा मिल गया तो इसके बाद उसको जो कि यकमुश्त वो किसी चीज़ को ख़रीदने की इस्त नहीं रखते थे वो अगर फिक्स्ड इनकम ग्रुप में शामिल हैं या सैलरीड पर्सन हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने फ्यूचर कैश फ्लो की बेसिस पर लोन लेकर अपनी इन चीज़ों को अवेल कर सकें तो एक ये चीज़ें थी इसके बाद आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर बैंकिंग का जो फंक्शन है उसने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जब इसके अंदर ग्रोथ आई एक्टिव जो वर्कफोर्स थी उनको एम्प्लॉयमेंट की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टर्ड्स दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ यंग पीपल

बाजल टू की जो रिक्वायरमेंट थी उसको मीट करने का और अपनी अर्निंग की सस्टेनेबिलिटी और उसको रिटर्न्स को बढ़ाने का मौक़ा मिला अब ये जो डिबेट है इसमें ये देखा गया है कहा जा रहा है जो आम परसेप्शन है कि देर आर थ्री एरियाज इन विच इन अ वे कंज्यूमर बैंकिंग हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट पहला ये है कि जो वो लोग हैं जो समझते हैं कि इसने कंजूमरज़म को बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोपोगेट किया है इसको बहुत ज़्यादा इंक्रेज किया है जिसके वजह से सेविंग रेट जो है जो सेविंग हैबिट है लोगों की उसके अंदर कमी आ गई है दूसरा जो आर्गूमेंट है वो ये है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो हैं वो बढ़ गए हैं इकॉनमी के अंदर चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं और जाहिर है कि जो पहले जो चीज़ें जिस कीमत पर होती थी जब कंज्यूमर बैंकिंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंड uh, नहीं की थी और अब के मुकाबले में उसका जो उनके ख्याल से ये वजह है कि अब डिमांड चूँकि ज़्यादा हो गई है आ, और लोगों के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं टू द गुड्स बी इट हाउस होल्ड गुड्स और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो उन चीज़ों में महंगाई आ गई है तीसरा जो एक सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इस बैंकिंग से, सेगमेंट ने कंज्यूमर बैंकिंग के सेगमेंट ने स्पेकुलेटि एक्टिविटीज़ को एक तरह से इनक्रेज किया है तो एक ये भी एक आ, इसके अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ आर्गूमेंट दिया जाता है लेट्स सी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली ट्राई टू स्टैब्लिश एंड पुट द थिंग्स इन परस्पेक्टिव कीपिंग इन व्यवसाय जैसे कि आप देखेंगे वो ये कहते हैं के जो इस पर एक तरह से शॉट sort ऑफ of, uh, इल्ज़ाम है और ये कहा जाता है कि इसने कंज्यूमरज़म को प्रमोट किया येस डेफिनेटली बट एट द सेम टाइम इट प्रोवाइड एन अपॉरचुनिटी फॉर द पीपल ऑफ़ द जनरल पब्लिक टू इन अ वे रेज दियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कंज़्यूमर ड्यूरेबल और उसकी गुड्स की वजह से इकानमी के अंदर एक्टिविटीज़ uh, जनरेट हुई आ, और ज़ाहिर है इसका इम्पेक्ट जब कहते हैं ना कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है मुख्तलिफ़ सेक्टर्स ऑफ द इकानमी जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है उनके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो उसमें ज़ाहिर है दूसरे एम्प्लॉयमेंट को भी आ, एक तरह से फ्रोग मिलता है और इस चीज़ का फ़ायदा होता है पर उसमें जो अहम चीज़ है कि अगर आप कोई लोन ले के उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं मंथली तो इट्स ए फॉर्म ऑफ फोर्स सेविंग वेल तो आम हालात में अगर आपके पास पैसा है और वो जिसे कहते हैं कि हाथ में पैसा हो तो खर्च हो जाता है बट बिकॉज ऑफ दिस इन फैक्ट दिस लेट टू ए सॉर्ट ऑफ फोर्स सेविंग बिकॉज अ प्रूडेंट अप्रूडेंट अ प्रूडेंट पर्सन हु नोज कि एट द एंड ऑफ द मंथ ही और शी हैज़ टू पे अ अर्टन इंस्टॉलमेंट फॉर से हाउस लोन और पर्सनल लोन और ऑटो लोन देन अ पर्टिकुलर अमाउंट हैज टू बी एयर मार्क्ड फ्राम द इनकम सैलरी और वट एवर इट इज तो ये देखें ना इस हवाले से एक फोर्थ सेविंग तो हो गई ना तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जिस सेविंग का जो इसमें एलिमेंट था वो मिस हो रहा था नेक्स्ट जो है कि इसने कंज्यूमरिज़म को प्रमोट किया तो उसमें यह है कि लोगों की मिडिल क्लास की सारे जो बढ़ती है उसका जैसे मैंने आपको कहा कि कानून पे इम्पेक्ट आता है और किसी मुल्क की जो मिडिल क्लास होती है इट इज़ इन अ वे द बैकबोन ऑफ द इकॉनमी अगर मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है विच मीन्स डैट मिडल क्लास इज़ प्रोडक्टिव वंस डैट मिडल क्लास इज़ प्रोडक्टिव इट इज़ बूस्टिंग दी ओवरऑल जी टी पी ग्रोथ और ये मिसालें अगर हम इर्द गिर्द नज़र डालें हमें नज़र आती हैं कि वह कंट्रीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा डिवेलप कंट्रीज़ की बात भी ना करें बल्कि यूरोप अमेरिका की या एशियन कंट्रीज़ को जिसको हम फार ईस्ट कंट्रीज़ में एशियन टाइगर्स कहती हैं तो वह यही वजह है कि वहाँ लोगों की जो वो जो मिडिल क्लास है वो जो बैकबोन है उन्होंने इधारे इसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसके बाद जो एक अहम जो फिगर्स हैं वो ये भी बताती हैं कि 2000 ऑनवर्ड जो सेविंग का जो ट्रेंड था पोस्ट 2007, उसमें कोई वाजे ड्रॉप नहीं आया था एज़ कम्पेयर टू नाइनटीज़ तो ये फिगर्स इंडिकेटिव हैं कि ये जो एक सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है कंज्यूमर बैंकिंग पे कि इसने सेविंग की हैबिट को एडवर्सली इफेक्ट किया है वो इस स्टैट से जो हम आपके साथ अभी चार्ट में शेयर करेंगे वो ये इंप्रेशन भी इसका दूर हो जाता है इन्फ्लेशन एनालिसिस को भी अगर देखें ये फिगर जो है आपके पास 5.5 की के वो सिर्फ अगर ये कहा जाए कि कंज्यूमर बैंकिंग ही इसकी ज़िम्मेदार थी तो वो ये फिगर्स आपके सामने हैं एक तो ये कि बहुत इसकी जो उसके अंदर कंटेंट ग्रोथ है बहुत कोई एकदम से इसके अंदर सर्च नहीं आया और जैसा कि आप इस अगले उसके अंदर देखेंगे कि ट्रेंड्स जो हैं और ख़ास तौर पर जो कोर इन्फ्लेशन है विच इज़ इन अवेर लिंक्ड विद द क्रेडिट पोर्टफोलियो उसकी जो ग्रोथ है इस आपके सामने जो चार्ट है इसमें आपको नज़र आ रही है ये जो अब इन्फ्लेशन की हमने बात की आपने चार्ट से देख लिया कि इसका वजह सिर्फ कंज्यूमर बैंकिंग की सर्च नहीं थी बल्कि इसमें जो एट्रीब्यूट कहे गए हैं वो प्राइस शॉक्स थे वो फिजिकल और दूसरी पॉलिसीज़ की इम्प्लीकेशन्स थी इन्होंने भी इसको कंट्रीब्यूट किया इन्फ्लेशन को वो करने में दैट एक्चुअली फिगर्स देन डिस्पेल दिस इम्प्रेशन कि कंज्यूमर बैंकिंग ही वाहिद वो एक तरह से कॉज है जिसने इन्फ्लेशन को बढ़ाया इसके बाद अब ये देखेंगे कि जो तीसरा है स्पेकुलेटिव नेचर का वो जाहिर है कि जो इस कंज, जो कंज्यूमर बैंकिंग में वाहद जो स्पेसिफाइड नहीं होता लोन अदर दैन हजारे हाउसिंग लोन हाउस के लिए है ऑटो लोन गाड़ी लेने के लिए है क्रेडिट कार्ड जारी इसमें जो पर्सनल लोन होता है उसके अंदर पोटेंशल होता है आप कह सकते हैं कि यस बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक मैंशन ऑफ द परपज ऑफ द लोन पॉसिबिलिटी ऑफ बींग यूटिलाइज फॉर स्पेकुलेटिव पर्पजेज़ लेकिन अगर इस पर्सनल लोन के भी आप फीचर्स को हम थोड़ी देर के लिए या इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर एनालाइज करें तो ये बात सामने आ जाएगी कि ये पर्टिकुलर एरिया भी कंट्रीब्यूट नहीं करता स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को ये जो नॉर्मली जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो उसी वक्त ये करते हैं कि जब उनको फंडस मिल रहे हैं उसकी कॉस्ट उनके नज़दीक इतनी लो है कि आगे वो उसको अगर स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो अच्छा रिटर्न गेन करेंगे लेकिन चूंकि ये पर्सनल प्रोडक्ट्स ये पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है तो इट इज़ प्राइज्ड इन सच अ वे कि इट बिकम सट ऑफ प्रोहिबिटिव फॉर ए पर्सन हु इंटेंड्स टू यूज़ यूज इट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस तो एक तो ये रीज़न हो गया उसके बाद जो पर्सनल लोन की टारगेट मार्केट है वो फिक्स्ड इनकम और सैलरी ग्रुप है और ये ग्रुप जाहिर है हम सब जानते हैं नॉर्मली रिस्क अवर्स होता है ये अवॉइड करता है क्योंकि इसकी अपनी आप कह लें कि एक्सपर्टीज़ या फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है कि वो इसमें डल्ज हो तो इसलिए वो रिस्क अवर्स होता है और उनके हाथ में अगर पर्सनल लोन के प्रोसीज जाती हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उससे स्पाकुलेशन की जाएगी इसके बाद तीसरा जो इसमें रीज़न है पर्सनल लोन में इसका जो एवरेस्ट लोन साइज बहुत कम है और उसको मद्दनजर रखते हुए जो कि आम तौर पर स्पेकुलेशन में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको लार्जर सम लार्जर अमाउंट्स दरकार होते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर लोन अमाउंट द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग इन टू स्पेकुलेशन ऑबियसली बिकम्स वेरी रिमोट और उसके बाद जो फोर्थ आइटम है इसमें जो ग्रोथ हो रही है आप देखें एज कंपेयर टू अदर एरियाज विच हैज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टवर्ड्स दी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इन दकॉनमी उसके मुकाबले में इसकी ग्रोथ कम है जो स्पेकूलेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो ये है कि इसमें जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं उनको जस वज लोन किए जाते हैं उसमें पॉसिबलिटीज़ होती हैं कि वो इसको मिस यूज़ करें लेकिन इसमें पॉसिबलिटीज़ कम है तो इनके साथ साथ अब आपने देखा होगा कि ये जो तीन सॉर्ट ऑफ क्रिटिसम्स थे जिन एरियाज़ को कहा गया था कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इसका इमेज है किसी हद तक इन चीज़ों को इन स्टैट्स को देख के आपके सामने आ गया होगा अब आप ये देखें कि जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है वो इकनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है कंजम्पशन पैटर्नस को स्मूथ करती है और रिस्क को डाइवर्सीफाई करती है तो दीज़ आर ऑल पॉजिटिव एज एज़ार एज दीज आप कह लें कि जो इसका अफेक्ट है कंज्यूमर बैंकिंग का पब्लिक के ऊपर उसके बाद लेकिन ख्याल ये रखना है कि इसकी जो ग्रोथ है वो इंडस्क्रमिनेट नहीं होनी चाहिए अगर आप हम ये इस चीज़ की तसली अपने आप को दे दें कि हाँ भाई ये जो हमने जो चीज़ें डिस्कस की इसकी बिना पर कह सकते हैं कि कंज्यूमर बैंकिंग के कोई नुकसान नहीं है ये तासर भी इन वे सही नहीं होगा हमें ये ख़्याल रखना है कि जो हमें सिस्टम्स की जो इसमें वनबिलिटीज़ हैं हम उसको किस हद तक अटेंड कर रहे हैं यह देखा गया है कि अगर इसकी ग्रोथ को इसकी इस डेवलपमेंट को चेक नहीं किया गया इसको कॉन्टेक्स्ट में ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एंड अदर फैक्टर्स ऑफ इकानमी तो फिर चांसेस हैं कि यस, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट मे स्टार्ट प्रोवाइडिंग सॉर्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स टू द इकॉनमी इसमें लेट री फॉर ए मोमेंट जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे बैंक बिजनेस मॉडल और बैंक का ऑपरेटिंग मॉडल अगर आप पीछे जाएं थोड़ा देर के लिए तो उसमें जब अगर बैंकस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं और जो इसको तो तो, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके जो वो हैं इसको सही नहीं है लेकिन जब आप इन एलिमेंट्स को जो हमने बिजनेस मॉडल में और ऑपरेटिंग मॉडल में डिस्कस किए थे अगर आप उसको मद्देनज़र नज़र रखेंगे तो किसी हद तक इसका जो इफेक्ट होगा या इसकी फ़र्दर जब इकॉनमी ओवरऑल रिकवर करेगी दूसरे मुल्कों की और पाकिस्तान की तो उसका जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो आपके सामने वाजे हो जाएंगी ऑपरेटिंग जैसे ख़ास तौर पर कहा गया ऑपरेटिंग मॉडल में जो एलिमेंट्स था रिस्क कंट्रोल का और कंप्लाइंस का उसके साथ साथ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसके बाद जो डिलीवरी का जो एलिमेंट था ये वो एरियाज हैं जब हमने आपको बताया था कि वो कॉरपोरेट फंक्शंस हैं वो सपोर्ट फंक्शंस हैं जो जब आ, एक बैंक अपने ऑपरेटिंग मॉडल को एफिशिएंट बनाना चाहता है तो वो सारे जो सपोर्ट फंक्शंस हैं उसमें आपस में एक तरह से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पॉलिसीज़ के अंदर कैपेबिलिटीज़ के अंदर इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि जो बिज़नेस मॉडल है उसमें जो है वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं चाहे वो प्रोडक्ट बेसिस पे हो चाहे वो आप कहें जोग्राफिकल बेसिस पे हो या वो किसी और सेगमेंट पे हो तो वो वैल्यू परपोजिशन को आपने रिस्क एलिमेंट को मद्देनजर रखना है और उसकी जो सर्वाइवेबिलिटी का एलिमेंट है जैसे हमने आपको बताया था उसको भी आपने मद्नजर रखना है तो अगर इसको हम समराइज़ करें तो वो यही है कि जो बिज़नेस मॉडल है वो बैंक की को पोजिशन करता है एक्चुअली मौजूदा वक्त के लिए और आने वाने वक्त के जो ऑपरेटिंग मॉडल है उस वैल्यू पोजीशन को वैल्यू प्रोपोजीशन को डिलीवर करता है कस्टमर के हद हाँ तक तो इसकी जो लिंकेज है जो इसकी आपस में रबत है जो इसकी आपस में सॉर्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी है कई दफ़ा आपको एम्फोसाइज की गई इसके साथ साथ जब हमने आपसे बात की अब हम ये देखेंगे कि ये एक इंटरेस्टिंग uh, जब हम बात करते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री या जो फाइनेंशियल सेक्टर है अगर वो इतना इंटरकनेक्टेड है उसमें एक चांसेस होता है कि कोई एक अदारा कोई एक बैंक अगर किसी मुश्किल के शिकार है तो ये ना समझ लेना चाहिए कि बाकी इदारे भी उससे महफूज होंगे बिकॉज ऑफ दिस इंटर कनेक्शन इंटर लिंकज़स और उनकी आपस में रोज़ की डीलिंग जो कि इट गोज़ इन टू अब डॉलर्स की भी बात करें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स तो ये सिस्टमेटिक रिस्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें ये होता है कि ये सारी इंडस्ट्री लपेट में आ जाती है और इसको ज़ाहिर है जब सिस्टम रिस्क की हम बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनोलॉजी आपके सामने है कि इफ़ यू हैव टेन बॉटल्स टू ड्रिंक एंड वन ऑफ़ द बॉटल इज़ पॉइजन विच यू डोंट नो नो बडी ड्रिंक्स द वाटर तो ये एक आ, मिसाल से इस एनोलॉजी से वाजे किया गया है कि जब बैंकिंग सेक्टर में अगर एक प्लेयर ऑफ़ द इंडस्ट्री किसी मुश्किल का शिकार है और बाकी प्लेयर्स को नहीं पता और अगर किसी को हिंट मिल जाती है तो जो अल्टीमेटली क्राइसिस का नतीजा होता है कि जी लिक्विटी शॉटेज हो जाती है लिक्विटी क्राइसिस आ जाता है और फिर जो प्लेयर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा कॉशस हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू दॉट ऑफ क्लेप्स ऑफ द होल सिस्टम जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो हमें फिर बार बार अपने उस कॉन्सेप्ट को मजीद जो हम सिस्टम थिंकिंग की बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट और एक जब हम किसी उसमें चेंज लेके आते हैं तो उसकी चेंज दूसरे एरियाज़ में भी एक तरह से महसूस की जाती है तो जब हम सिस्टम कॉन्सेप्ट को सिस्टम थ्योरी को मद्दनज़र रखते हैं तो हमें यह चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हम किस हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अब ये जो एरिया है इसको हमने आगे चलना है जो कंज्यूमर बैंकिंग का ओवरव्यू है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एज फार एज़ स्टेट बैंक रिपोर्ट इज कंसर्न इसमें जो इश्यूज़ हैं मेजर जो चैलेंजेस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में टिल सच टाइम अल्लाह हाफिज़